नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में रविवार की सुबह तड़के सुबह करीब 3 बजे एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना में मृतक का साथी भी गंभीर रूप से घायल है, जिसके इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। मृतक युवक का नाम शुभम भूमरडे है, जो कि बालाघाट का रहने वाला है। शुभम MCA के साथ साथ PSC की भी तैयारी कर रहा था। शुभम 2 सालों से चुंगीलाल माची क्षेत्र में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वारदात में शुभम के साथ घायल हुआ युवक मानव श्रीवास्तव भी बालाघाट का है, जो कि इंजीनियरिंग का छात्र है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। घटना के बाद गमापुर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात करीब 3 बजे मृतक शुभम अपने साथी मानस के साथ बाइक में सवार होकर जब रांची से गमापुर तरफ आ रहा था, उसी दौरान लालमाटी के पास 2 बाइक में सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने रोका और ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वारदात में शुभम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मानस को सिर पेट पीठ में गंभीर चोट आई है। हथियारों ने हत्या की वारदात को उस दौरान अंजाम दिया जब जबलपुर पुलिस के सभी अधिकारी कॉमिंग गश्त करते हुए पूरे जिले में घूम रहे थे। MPPSC की तैयारी कर रहा है था शुभम। बालाघाट जिले का रहने वाला शुभम भूमरडे बीते 2 सालों से जबलपुर में रहकर PSC की तैयारी कर रहा था। शुभम और मानस गमापुर में एक किराए का मकान लेकर रह रहे थे। शनिवार की रात दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल किताबें लेने के लिए गए थे। करीब रात 3 बजे दोनों अपने रूम तरफ आ रहे थे, तभी पीछा करते हुए 2 बाइक में 4 लड़के आए और उन्हें चुंगी के पास रोककर ताबड़तोड़ चाकू तलवार से हमला कर दिया। शुभम और मानस जब तक बदमाशों की हरकतों को समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4 अज्ञात बदमाशों ने शुभम और मानस पर हमला कर दिया। शुभम को गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मानस को लहूलुहान हालत में छोड़कर बदमाश फरार हो गए। जैसे तैसे मानस अपने रूम तक पहुंचा और साथ में रहे दोस्तों को पूरी घटना बताई। आनन फानन में साथियों ने मानस को इलाज के लिए जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। भाई साहब, ये कौन थे और क्या घटना हुई थी और क्या बताया आपको? मेरे को रात को 3 बजे फ़ोन आया मानस का। वो मेरे को कॉल करके बोला कि तू रूम के नीचे आ, मेरे को गुंडे ने चाकू मारा करके। तो मैं नीचे गया, फिर उसने बताया डरते डरते कि मैं और मेरा दोस्त था वो उसको पकड़ लिए, शुभम को पकड़ लिया था और मानस को भी पकड़ा था, लेकिन वो जैसे तैसे बच के आया, 1.5 किलोमीटर आया बच के। उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने बताया कि मत जाना, वो बहुत सारे गुंडे हैं, बहुत मार रहे हैं, प्लीज़ मत जाना, शुभम लापता है। फिर उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल लेके गया, फिर शायद उसका बॉडी पुलिस को मिली। उसके बाद पुलिस ने फ़ोन हमको किया कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, बट फिर बाद में पुलिस ने देखा तो वो मर्डर था। उसके बाद फिर उसको रेफ़र किया गया है जबलपुर हॉस्पिटल में, फिर पता चला कि वो बहुत ही जख्मी था और मानस भी काफ़ी जख्मी था। फिर उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो अभी वो ठीक है, हालत उसकी ठीक है। बाकी अभी और क्या, वो संकोची था, वो बता नहीं पा रहा था, बहुत डर रहा था उस चक्कर से अभी वो पूरा बता नहीं पा रहा है। जो मृतक है, इनकी बॉडी कहाँ मिली थी? उनकी बॉडी मिली थी सतपुरा मार्केट के आसपास मिली थी, कोई सी पार्किंग है वहाँ पे मिली थी। ये लोग यहाँ पे कौन से कॉलेज में? ये मानस JEC से MCA कर रहा था और शुभम RDBB से MCA कर रहा था। आपका नाम? मेरा नाम तनु साहू। क्या थाना? हमारा गमापुर थाना। कल रात को 2:30 बजे के बीच, 2 से 2:30 के बीच में काली मंदिर धमापुर चौराहे, धमापुर के पास में शुभम भूमरडे नामक व्यक्ति को कुछ लोगों ने चाकू से हमला किया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई और उसका एक दोस्त मानस श्रीवास्तव, जिसे जो अभी मेडिकल में भर्ती है घायल अवस्था में, उसको इलाज के लिए रेफर किया गया था विक्टोरिया से, वहाँ पर अभी एडमिट है। कितने लोग शामिल हो सकते हैं? अभी तक तो जांच में यह आया, जैसा उसके दोस्त ने बताया है पुष्पेंद्र करके जो उसके साथ में रहता था, कि उसको फ़ोन आया था तो बता रहा था कि बाइक सवार हैं 2-3 लोग, 2-2 बाइक में हैं, उनने आके हमला किया है, जिस पे वो पहुंचा था वहाँ पे और फिर वो लेके गया। कहीं से पीछे भी करते आ रहे? हाँ, ये लोग रांची से पीछे करते आ रहे थे बता रहा था उसका कहना। कहाँ की घटना है ये? अपने शनि मंदिर गमापुर की घटना है। मृतक कहाँ का रहने वाला? मृतक बालाघाट का रहने वाला है। आरोपी? आरोपियों के लिए अभी जांच जारी है, कर रहे हैं, तलाश जारी है। बोल देता हूँ।
क्या घटना हुई है और क्या पता चल पाया था? अभी दो दिन पहले मेरा बेटा आया था यहाँ, MCS की पढ़ाई कर रहा है, MCA, और बस वो क्या है, PSA की एग्ज़ाम थी तो बुके यहाँ थी, तो वो बुके लेने आया हुआ था और रात्रिकालीन जो है वो थोड़ा टहलने निकला तो उसको चाकू से हमला कर दिया गया है। पता चल पाया आपको कौन थे क्या? वह बालाट से करने वाला साहब और बेटा या जबलपुर में, हम लोग तो बालाट से जस्टा हैं, मुझे पता ही नहीं चल पाया है कि कौन है क्या थे। बेटा आपका क्या नाम था? शुभम बोमर्डे, 27 साल। और उनके साथ में जो थे? हाँ, वो एडमिट है मानस करके था, उनके साथ में गए हुए थे। 27 साल। युवराज बोमर्डे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।